व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बैक एंड स्प्रिंग। तो बैक एंड स्प्रिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा 5 स्टेप में। चल तो गाइस, आपको पहले डी बनना आना चाहिए, जिसे कहते हैं ब्रिज। तो ब्रिज को चालू करते हैं, ये आपको कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपको सेकंड चीज़ जो आनी चाहिए, ब्रिज वॉक ओवर, जो ये होता है। और आपको इसके अंदर क्या क्या करना होगा, आपको पहले हैंड स्प्रिंग आनी चाहिए और आपकी बॉडी में फुल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपसे खड़े होकर डी नहीं बना जाता तो आप बैठ के बन सकते ऐसे। तो गाइस, अब आपको आनी चाहिए, मतलब इसको आपको फुर्ती में करना है, स्पीड जैसे आपको डी बनते ही तुरंत ही। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप डी बनो तो आपके दोनों पैर एक साथ होने चाहिए, ना कि खुल के कुछ ऐसे। फर्स्ट आपके ऐसे आएंगे आगे पीछे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पंप दोनों पैरों से लेना होगा। आपको आर्च बनना आना चाहिए कम्प्लीटली, आर्च ये। और इसके बाद आपको अपने हैंड को टाइट रख के एक बार कोशिश करना है पीछे जाने का, आपको इसमें रहना। और आर्च बनने वाली, जैसे आर्च बनते हैं ऐसे बॉडी पीछे फेंक देना, लेकिन आप घास पे डायरेक्ट मत करना, आपको कोई सेफ प्लेस पे करना। आप ऐसे गिरेंगे पहली बार, फिर आपको कोशिश कर करके इसको स्टैंड करना है, टेढ़े में ही स्टैंड करेंगे। कुछ ऐसा, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आएगा, धीरे धीरे कोशिश होएगा। जब आपका सीधा होने लग जाएगा, जब आपको इसके अंदर ये लेने का ट्राई, आप जब लैंड होने वाले हो, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, जब हाथ लगे आराम से आपको हैंड स्प्रिंग करने के बाद एक बार ट्राई करना है। इसको स्टैंड मारने का हैंड आपको टाइट रखना है फुल, आपको एकदम स्ट्रॉन्ग की लेना है पंप। फर्स्ट आपका ऐसा आएगा जिसमें आपके हाथ बैंड और नेक टेढ़ी रहेगी, फिर आप करते करते थोड़ा सही हो जाओगे, तो फिर आपका फाइनली कैसा आएगा मैं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आपने मेरा चैनल वॉच किया, उसको सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। थैंक यू।